जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जो सेकंड ईयर का हमारा मैथ होता है जिसमें हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय ए बी अनिशु मेथड जो होता है उसके बारे में आपको सिखाऊंगा मैं। तो अगर कोई फंक्शन गिवन है आपके पास, कोई भी गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एम। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हम आप अगर एक ही जो है ना वो रूल को फॉलो करेंगे तो आप लोग बड़ा आसानी के साथ सारे क्वेश्चन की एक्सरसाइज 2.1 है या 2.2 है या कोई भी डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है जो उसको आपने बाय डेफिनेशन हल करना है तो आप उसी इन स्टेप को अगर लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, जो भी फंक्शन हो या नीचे वैल्यू भी होती है उसको वेरिएबल कहते हैं। अगर वेरिएबल की जो पावर एम यानी वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर हो, अगर वो पावर आपकी क्या होगी, अगर कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा यानी 1, 2, 3, 4, 5, 100 सो ऑन, इस तरह की वैल्यू होती है। अच्छा, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। जी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है आपको ये आना चाहिए। तो ए और पावर ए प्लस बी और पावर एन, ए पावर एन प्लस एन इंटू ए एन माइनस वन बी आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और a की पावर n माइनस टू और b स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे ये जो पावर है ये क्या होगी, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छा, अगर आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो पावर है, अगर आपके पास ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, किसको यूज करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल सीरीज को यूज करेंगे। इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। बाइनोमियल सीरीज वो क्या होती है, उसके लिए यहाँ पे वन मस्ट होना चाहिए, तो वन प्लस एन एक्स आ जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन प्लस सो ऑन। ठीक है, ये दो चीजें समझनी। आप कंप्लीट अगर देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट जो डेरिवेटिव प्लेलिस्ट है उसको मैं उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, आपको डेरिवेटिव के सारे स्टेप समझ आ जाएंगे। तो जी, आपने चार स्टेप है जो हमने बाय डेफिनेशन हमने करने होते हैं उनको आपने सीखना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम y के अंदर ऐड करेंगे डेल्टा y और जो वेरिएबल है x इसमें हम ऐड करेंगे डेल्टा x और उसकी पावर एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने डेल्टा y इधर ही रखना है और यहाँ पे आएगा x प्लस डेल्टा x एज इट इज पावर m एज इट इज माइनस y को उधर लेके जाएंगे, माइनस y हो जाएगा तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर आ जाएगी m और माइनस y की वैल्यू लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, x m आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, डेल्टा y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव के बाद जो वैल्यू होगी माइनस x पावर m उसको आपने कॉमन ले लेना है। तो आप नेगेटिव के बाद पावर क्या है, x m, इसको हम कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा जी, x की पावर m है, देखिए x की पावर भी m बनेगी, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज और ये जो वैल्यू होगी एक्स ये इसके नीचे आ जाएगी। देखिए जब आप कॉमन लेते हैं ना किसी चीज को तो वो नंबर अगर कॉमन में नहीं होता तो वो उसके नीचे आ जाता है। पावर एम एज इट इज आएगा, माइनस वन आ जाएगा और क्योंकि हमने ये कॉमन लिया बाकी माइनस वन रह गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ एम क्या चीज है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एम बिलोंग एन यानी नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या कहा, हमने ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन को यूज करना है। अगर हमारे पावर पॉजिटिव नंबर होंगी 1, 2, 3, अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगी इसकी पावर में या आपके पास वन या आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में होगा 1/2, 3/2 तो फिर हम बाइनोमियल सीरीज जो होती है उसको यूज करते हैं। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देखें ए प्लस बी होल पावर एन, ए प्लस बी होल पावर एन, तो ये डेल्टा वाई एज इट इज लिखेंगे, एक्स पावर एम एज इट इज लिखेंगे और इसमें देखें ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल पावर एन, ए प्लस बी होल पावर एम, ए की पावर एन, तो हमारे क्वेश्चन में ए है वन, वन की पावर आ जाएगी एम, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा एन, एन की जगह हमारे पास क्या है जी एम है और नेक्स्ट वन की पावर एम माइनस वन हो जाएगा, साथ क्या आएगा बी, तो b हमारे पास क्या है डेल्टा x बाई x है, ये b हो गया, नेक्स्ट आ जाएंगे प्लस n, n हमारे पास है m, फिर आ जाएगा m माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल हो गया और a हमारे पास क्या है क्वेश्चन में जी 1 है
तो 1 की पावर देखें क्या होती है, m माइनस 2, यानी आपके पास m माइनस 2 हो जाएगा। b का स्क्वायर, b क्या डेल्टा x, तो हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे, डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1, देखें प्लस 1 और एंड पे क्या चला जाएगा माइनस 1, जी ये माइनस 1 यहां पे आ जाएगा। अच्छा आपको पता है 1 की पावर जो भी होती है उसको हम 1 ही लिखते हैं, तो ये 1 की पावर m है, तो m 1 की पावर जो भी अभी आंसर 1 होता है, लिहाजा ये प्लस 1 एंड माइनस 1 एंड वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा हमारे पास, यहां से बच गया m, 1 की पावर जो भी होगी 1 ही आएगा, खत्म हो जाएगा x m बाई x प्लस आएगा m और m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो गया, और नेक्स्ट 1 की पावर ये भी खत्म हो जाएगी, डेल्टा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। अच्छा सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट स्टेप डेल्टा यानी x में ऐड करना है डेल्टा x और उसको सिंपलीफाई करना है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल सीरीज जो होगी दोनों में से आपने एक को यूज करना है। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग, हमने लिखना है टेकिंग लिमिट, जी हमने इसके साथ लिमिट ले लिया, लिमिट डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स लिख लें या जो हमने लिया हुआ है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो एंड डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड। अच्छा अब हम लिमिट भी लेंगे इसके साथ और डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड भी करेंगे। अच्छा लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो हो गया, डेल्टा वाई हो गया और डेल्टा एक्स हो गया, देखिए इधर इसके साथ लिमिट भी ले ली और डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो भी ले लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो ले लिया हमने, अच्छा वो ले लिया, अब हम ये सारा लिख लेंगे एज इट इज, तो ये आ जाएगा एक्स एम एज इट इज आ जाएगा। अच्छा यहां से अगर आप देखें तो ये कॉमन आ रहा है, एम इधर भी है, देखिए एम डेल्टा एक्स और एम डेल्टा एक्स ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास कॉमन आएगा एम डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये कॉमन आ जाएगा ऊपर से, ये वैल्यू कॉमन आ गई और इसकी जगह आ गया हमारे पास 1 आ गया, प्लस नेक्स्ट क्या आ गया जी, नेक्स्ट देखें ये कॉमन लिया हुआ ये वैल्यू ये रहेगी हमारे पास रह गया एम माइनस 1 2 फैक्टोरियल, और एक डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया और एक रह गया, एक एक्स हमने कॉमन लिया और एक रह गया। अच्छा इसको भी हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी किया भी डिवाइड करेंगे, ये जो सारा होता है इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डेल्टा एक्स के साथ कम कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या करेंगे जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे जीरो पुट करेंगे, जब यहां पे जीरो पुट करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारा जीरो हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा एम, इसको हम स्टार में लिख लेंगे एम, और इधर आएगा x पावर m और नीचे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे जब जीरो होगा तो 1 बचेगा, तो अब आपके पास ये आ गया m और x m और ये पावर ऊपर जाएगी, तो इधर 1 है तो ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी। इस तरह हमने बाय डेफिनेशन इसको हल करना था, कंप्लीट वॉच करने के लिए प्लेलिस्ट के अंदर आपको लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आप बाकी बेशुमार एग्जांपल मैंने दी हुई आपको उनको पढ़ लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।